गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित जिमखाना क्लब का अलॉटमेंट का मामला गर्माता जा रहा है। क्लब के सभी मेंबरों ने मीटिंग कर ये फैसला लिया कि यदि इस पूरे टेंडर घोटाले की जांच नहीं की गई और इस काम को नहीं रुकवाया गया तो सभी मेंबर कोर्ट में इस केस को दायर करेंगे। दरअसल गुरुग्राम का जिमखाना क्लब में कुछ कैटरिंग का काम बिल्लू टेंट हाउस के द्वारा किया जाता था। वहीं पिछले टेंडर के आधार पर विभाग ने बिल्लू टेंट हाउस को एक बार फिर टेंडर जारी किया, जिसमें उससे एग्रीमेंट किया गया है कि अगले 2 साल के लिए उसे जमीन दी जाती है कि वो उस पर खुले मैदान में जो दिक्कतें आती थी उसे दूर करने के लिए हॉल बनाए जिसका किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बिल्लू टेंट हाउस का टेंडर मई 2017 को खत्म हो गया था, जिसके बाद इसे दोबारा टेंडर दिया गया है। वहीं अब मेंबरों का आरोप है कि इस टेंडर को कानून को ताक पर रख कर दिया गया है, जो कि गलत है। मैं नीरज सलूजा हुडा जिमखाना क्लब का मेंबर हूं 1998 से, मेंबरशिप नंबर 839। तो किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है और जिस तरह से यहां पर कोई लीज पर जमीन दी गई है वो क्या है मामला? ये मामला 2007 से चल रहा है। 2007 में एक टेंडर बुलाया गया था जिसके अंदर जो क्लब का लॉन है उसको मेंटेन करने के, रादर मेंटेन नहीं, उस पर टेंट लगाने के राइट्स जो हैं एक बिल्लू टेंट हाउस एजेंसी को दिए गए थे। वो चल रहा था, उसको हर साल रिन्यू कर दिया जाता है 3-3 साल के पश्चात बिना कोई दोबारा टेंडर मंगाए। 2014 के अंदर इसको रिन्यू किया गया 2017 तक के लिए, और उसमें एक मेजर क्लॉज है जिसका मेंबर्स विरोध कर रहे हैं, वो है अदर टेंटिंग चार्जेस। इसके अंदर अगर क्लब का मेंबर चाहता है कि मेरे को बिल्लू टेंट हाउस से टेंट नहीं लगवाना, बाहर से लगवाना है, तो उसे 70,000 रुपये देने पड़ते हैं। लॉन के किराए 25,000 रुपये जाता है, उसके अलावा उसे 70,000 देने पड़ते हैं, जिसमें से 35,000 बिल्लू टेंट हाउस के पास जाता है, 35,000 क्लब के पास जाता है। अब किस पर्पज़ के लिए हमने ब्लू टेंट हाउस को 35,000 रुपये देने हैं, हमें ये नहीं समझ आता। तो एक बहुत बड़ा घोटाला है, मेंबर से पैसे एक्सटोर्ट किए जा रहे हैं इन नेम ऑफ अ मोनोपोली क्रिएटेड बाय हुडा जिमखाना क्लब। दूसरी बात है कि यहाँ पर कभी भी AGM नहीं बुलाई जाती है। 2001 तक यहाँ पर हमने AGM अटेंड करी है क्लब के अंदर, इसके बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट कभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। 2015 में एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी चेयर्ड बाय अनीता यादव, देन एडमिनिस्ट्रेटर हुडा। उसमें साफ क्लियरली बताया गया था कि 5 मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव कमेटी में नॉमिनेट किया गया है जो आगे की मीटिंग्स अटेंड करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने अगली मीटिंग में हमको नहीं बुलाया, और करंट में एक मीटिंग की गई है जिसमें दोबारा से ये जो हमारा लॉन है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है, ये लॉन 9 साल के लिए ब्लू टेंट हाउस को लीज पर दे दिया गया है। किसने दिया, क्या मकसद हो सकता है इसका? जो एग्रीमेंट किया गया है उस एग्रीमेंट पे जो सिग्नेचर है वो मैनेजर है क्लब के, और उसमें ये मेंशन किया गया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें हुडा एडमिनिस्ट्रेटर और जनरल सेक्रेटरी एस्टेट ऑफिसर ने इसको अप्रूव किया। हमारा मेंबर्स का डिमांड ये है कि हमारे मेंबर्स की नॉलेज में आपने आज तक ये बात लेकर नहीं आए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नॉन मेंबर्स का प्रावधान नहीं रखता है, आपने एग्रीमेंट में लिख दिया है कि नॉन मेंबर से बिल्लू टेंट हाउस 9 लाख रुपये चार्ज करेगा और मेंबर से 6,30,000 रुपये चार्ज करेगा। आप बताइए, जिस लॉन का हम किराया 25,000 रुपये दे रहे थे, हम उसका 6,30,000 क्यों दें? और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी भी एक टेंटिंग एजेंसी की मोनोपोली हो। किसी को लेकर सर CM विंडो में शिकायत दी है? हमने CM विंडो पे शिकायत करी है 2015 में, 1.5 साल तक CM विंडो पे कंप्लेंट्स हमारी पेंडिंग रही है। हमने कहा था कि 2014 वाले एग्रीमेंट के तहत जिमखाना क्लब से ब्लू टेंट हाउस को लगभग 40 लाख रुपये का अदर टेंटिंग चार्जेस के रूप में दिया गया है, लेकिन फिर भी हमारी कंप्लेंट पे 1.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके पश्चात एक जवाब आ जाता है कि सारे जो टेंडर दिए गए थे वो नियमानुसार दिए गए थे, जबकि सारे नियमों को ताक पे रख के दिए गए हैं। एक उस लेटर के बिना पे CM विंडो की कंप्लेंट क्लोज कर दी जाती है। हमारी एक नहीं, लगभग 8 CM विंडो की कंप्लेंट है जो जिमखाना क्लब के विरुद्ध है, और एक स्टैंडर्ड सा जवाब दे देते हैं कि जी सारे नियमों का पालन किया गया। सर क्या कोर्ट में कोर्ट का दरवाजा? हमने कंज्यूमर कोर्ट में स्विमिंग पूल के लिए फाइल किया था 2013 में, जिसका 2017 में ऑर्डर आ चुका है। स्विमिंग पूल का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है क्योंकि उसमें भी नॉन मेंबर्स का प्रावधान था। हुडा पंचकुला ऑफिस ने गाइडलाइंस दी हैं कि कोई भी नॉन मेंबर्स के प्रावधान वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, उनको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से रिसिंड कर दिया जाए, परंतु फिर भी ये चला जा रहा है। ये हुडा अधिकारियों की मिली भक्त से ये खेल चल रहा है, और पर्सनल लेवल पे उनको टेंडर्स अवार्ड कर दिए जाते हैं। कितने साल की लीज पे दिया है? ये 9 साल की लीज पे दिया गया है, जिसका वो प्रतिवर्ष 35 लाख रुपये किराया देगा। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 2014 में क्लब को इसी लॉन से 40 लाख रुपए की कमाई हुई थी, जिसमें से लगभग 16 लाख OTC चार्जेस था, 24 लाख लॉन का किराया था। और वो जो OTC चार्ज 16 लाख है, इसका मतलब ब्लू टेंट हाउस को भी 16 लाख मिला है।
जबकि उसने कोई काम नहीं किया, तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, 50 लाख रुपए हमारे क्लब से कमा जाता है और फिर दर्शाया जाता है कि क्लब की माली हालत अच्छी नहीं है, क्लब के अकाउंट्स में से खर्चे कर दिए जाते हैं अनाप शनाप। कोई प्रेसिडेंट हमारा, हमारे पास आज तक बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस प्रेजेंट नहीं करता है। यदि हम आरटीआई के द्वारा मांगते हैं तो जवाब आ जाता है कि हमारा क्लब जो है आरटीआई के अंडर नहीं आता है। बिल्लू टेंट हाउस निर्माण कार्य पर मात्र 45 लाख रुपए खर्च करेगा, जबकि वह क्लब के गैर सदस्यों से 9 लाख रुपए प्रति बुकिंग चार्ज करेगा और जिम खाना क्लब के सदस्यों को 30% की छूट देकर 6,30,000 रुपए लेगा। अर्थात बिल्लू टेंट हाउस मात्र 45 लाख रुपए लगाकर हर साल करोड़ों रुपए कमाएगा। समझौते के अनुसार बिल्लू टेंट हाउस गैर सदस्यों से प्रत्येक बुकिंग का 9 लाख रुपए वसूल करेगा, जो की हुड्डा विभाग के नियम के अनुसार अवैध है। अभिजन मेरा नाम है, मैं हुड्डा जिमखाना क्लब का सदस्य हूं। आज जो मीटिंग की क्या मकसद था, मीटिंग का किस पर्पस से मीटिंग? आज जिमखाना क्लब के सभी मेंबर यहां इकट्ठे हुए, हम लोगों ने मीटिंग इसलिए ली थी क्योंकि हुड्डा डिपार्टमेंट ने जो ग्राउंड है हुड्डा जिमखाना क्लब का, यह अवैध रूप से ब्लू टेंट हाउस को दे दिया है और मात्र 2,91,000 रुपये रेंट पर दिया है। ये बहुत बड़ा वायलेशन सरकार ने किया है। इस जो एग्रीमेंट किया है जो सरकार ने ब्लू टेंट हाउस से, आप देखिए उसमें ये भी मेंशन नहीं करा कि ग्राउंड कितना बड़ा है और बिल्कुल थ्रो हुए प्राइस पर, कोई उसका टेंडर नहीं हुआ, कोई उन्होंने बिड नहीं मांगी। एक आदमी को उन्होंने बुलाकर सब अधिकारियों ने मिलकर शॉर्टकट कर यह टेंट उसको, यह जमीन 9 साल के लिए उसको दे दी गई और बहुत बड़ा वायलेशन सरकार ने किया है। और हमारे जो मेंबर हैं सारे क्लब के, वो उसी इशू को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब मेंबरों ने डिसाइड करा है कि हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे और सरकार का ये जो कदम है, इस एग्रीमेंट को हम लोग कैंसिल कराएंगे। जब तक एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होता तब तक मेंबर बार बार मिलते रहेंगे और इस विरोध को हर स्तर पर, अगर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो प्रोटेस्ट करेंगे, अगर मास्क निकालना पड़ेगा तो मास्क निकालेंगे। किसी भी अधिकारी के खिलाफ, कमिश्नर के खिलाफ, हुड्डा इंस्पेक्टर के खिलाफ, EO2 के खिलाफ, जो भी इसमें संलिप्त अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और कोई भी कदम तक आखिर तक जाएंगे हम लोग, जब तक यह एग्रीमेंट रद्द ना हो जाए। क्योंकि मात्र 2,91,000 रुपये पर मंथ पर यह ग्राउंड बिल्कुल अवैध रूप से दे दिया गया है। कोई एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट किया गया है वो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता और मात्र मैनेजर ने इस एग्रीमेंट में साइन करें हैं सरकार के बिहाफ पर, EO2 ने साइन करें हैं, जो कि ऑथराइज नहीं है। यह जो एग्रीमेंट है बिल्कुल अवैध है, इसको नल एंड वाइड है, इसको तुरंत रद्द किया जाए और ये ज़मीन दोबारे से क्लब के मेंबर को सुपर्द की जाए ताकि क्लब ढंग से चला जाए। यहाँ बहुत बड़ा ग्रीनरी था, आपने अगर पहले देखा हो, बच्चों को खेलने का जगह थी, ये पूरा ग्रीनरी था। जिस तरह देखिए लाल, मतलब इतना बड़े स्केल पर काम चलाकर ये बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। और जमीन है जिसको मजे बात, और देखिए जो एग्रीमेंट है इसमें लिखा ही नहीं है कि जमीन कितनी बड़ी है। कभी आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट सुना है सरकार को जमीन किराए पे किसी को दे रही है? और ये भी मेंशन नहीं कर रही कि जमीन कितनी बड़ी है, साइज क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने ग्राउंड तो क्या बहाना है, पूरा क्लब ही दे दिया। क्योंकि जब पूरा क्लब होगा, वो पूरे क्लब में आप देखिए ग्राउंड में टेंट लगा रहा है तो पार्किंग का करेगा, इसका मतलब झंगे जब क्लब की जो पार्किंग है, क्लब की जो अदर फैसिलिटी है, वो भी उसको दे दिया है। इस तरह बिल्कुल घपला किया गया है और सभी मेंबर बड़े हताहत हैं, बड़ा दुख है उनको, परंतु सब मेंबर क्योंकि पढ़े लिखे हैं इस बात को आखिर तक उठाएंगे और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा इसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा।